हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम करने वाले हैं बुल रॉक के मल्टी ग्रिप बार्बल का रिव्यू दिस इज द मल्टी मल्टीग्रिप बारबल बुल रॉक फिटनेस एज यू कैन सी द नेम ऑफ द कंपनी सो इसको स्विस बार्बल भी कहते हैं मींस और मल्टी ग्रिप भी कहते हैं मतलब इधर वे कई नामों से जाना जाता है तो ये मेरे पास एक्चुअली कितना टाइम हो गया अभी इसको अराउंड फोर मंथ्स थ्री टू फोर मंथ्स तो हो ही गए तीन चार महीने अराउंड ये इसका जो आप ब्लैक कलर देख सकते स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये पाउडर कोटिंग में आता है ये जो ब्लैक कलर है और इसमें हाँ एक बात है कि अभी इसका नया मॉडल भी आ चुका है जो कि है केम्बर्ड मल्टीग्रिप बार है वो थोड़ा सा उसका शेप थोड़ा सा यहाँ से जैसे ये स्ट्रेट है पूरा देख सकते हैं उसका शेप थोड़ा सा यहाँ से वैसे बीच में से यू हल्का सा ऐसे बल्ज टाइप का जैसे ये रोग वगैरह के अगर फिटनेस का आपने देखे होंगे बार बार यूट्यूब पर तो उनके टाइप का है आप बुलट की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं वो हाँ हाँ जी वो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है इट्स लाइक like ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ दिस वन सो इट्स क्विट एक्सपेंसिव बट यहाँ पर देखते हैं हम इस पर स्पेसिफिकेशनस के और है कि इसमें जैसे काफ़ी सारे हैंडल्स मिल जाते हैं आप तो नाम में ही मल्टी ग्रिप है तो काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे ग्रिप, चाहे आप इसमें से क्लोज ग्रिप बेंच कर सकते हैं जैसे ये है मैं इसमें यूजली क्लोज ग्रप बेंच करता हूँ अपना और ये नॉर्मल बेंच प्रेस के लिए और इस पर जो सारे हैंडल्स हैं इनमें नर्लिंग दी हुई है अच्छी मतलब अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ एक सेकेंड तो आप देख सकते हैं कि नर्लिंग काफ़ी अच्छी मतलब ग्रिप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसमें आपको पावर लिफ्टिंग मार्बल जैसा ग्रिप तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली वॉल्न ऑनर दे रखिए बट इसमें स्लिप होने स्लिप नहीं होगा आपका ग्रिप जैसे कमर्शल जिम्बार्स में होता है काफ़ी अच्छा है ना। ये वाइट ग्रिप के लिए अगर आपको बिल्कुल मतलब ये से लेके यहाँ तक वाइट ग्रिप हो जाएगा ये थोड़ा सा क्लोज है और ये मतलब ये इसका यूज़ बेसिकली है कि जैसे पीपल हु आर लाइक फेसिंग शोल्डर पेन वाइल बेंच प्रेस इन फ्लैट बेंच दे कैन यूज़ दैट दिस दिस बार और इफ़ दे आर लाइक वट यू से वॉन्ट टू डू क्लोज ग्रिप बेंच एंड वाइल doing close grip bench on a flat bar, they are facing a problem which is chest gets more activation. so this bar may help in some way. बात करे तो इसका में sleeves जैसे ये welded है, rotating नहीं है इसमें. जो मतलब plates आप को load करेंगे, जहाँ पे उसपे वो रहेगा. rotate नहीं करते sleeves. नए वाले model में rotation वाले हैं. इसमें नहीं है और इसकी क्या बात करें इसको आप अगर ऐसे फ़्लिप करते हैं ना इफ़ यू फ्लिप दिस बार लाइक दिस द ग्रिप्स चेंज आप क्लोज ग्रिप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर मतलब ग्रिप्स चेंज हो गए ये जैसे लाइक इट वॉज़ लाइक दिस सो इफ़ यू जस्ट फ्लिप द ग्रिप चेंजेस सो दिस इज़ अ थिंग इसके साथ आपको लॉक्स भी मिल जाते हैं वो लॉक्स में उतने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता मेरे को दूसरे लॉक्स उससे काम हो जाता है बट इसके साथ आपको स्प्रिंग कॉलर स्टेप का मिलता है मतलब सेपरेटली परचेज नहीं करना पड़ता वो मिलता है इसके साथ और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो आप देख ही सकते हैं इट्स क्वाइट हैवी ड्यूटी बारबल आप कितना भी लोड कर सकते हैं मैंने तो इसमें मैक्स अभी तक फ्लैट बेंच में सिक्सटी सिक्सटी सेवेंटी के तक करा हुआ है बट आप काफ़ी ज़्यादा कर सकते इजीली आप इसमें कितना हंड्रेड फिफ हंड्रेड प्लस फिफ्टी वन फिफ्टी में भी ज़्यादा डिपेंड करता है और प्लेट्स आप कौन सी यूज़ करते हैं पावर लिफ्टिंग या फिर कैलिब्रेटेड आयरन प्लेट्स यूज़ करेंगे डेफिनेटली ज़्यादा फिट आएंगे मंपर कम फिट आएंगे और इसकी फाइव ईयर की स्ट्रक्चरल वारंटी मिलती है आपको इसके साथ ये वेप तो डेफिनेटली कोई वेप नहीं आता इसमें और वर्ड से ओवरऑल अगर मैं अपना रिव्यू पर्सनल रिव्यू दूँ तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये मेरे को अच्छा लगा मतलब वर्थ है मतलब बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि ये चीप आई वु इट्स अ चीप बारवल बट नॉट टू एक्सपेंसिव ऑल्सो इट कॉस्टेड मी अराउंड मेरे को अराउंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव अराउंड था मतलब ओवरऑल अगर, अगर आप इसको परचेज करते हैं अराउंड थर्टीन थाउजेंड से लेकर थर्टीन फोर्टीन थाउजेंड तक का जा सकता है थर्टीन थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन एंड ऑल इसका नया वाला तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव ज़्यादा है बट वो भी अच्छा है इफ़ यू हैव लाइक बजट यू कैन गो फॉर दैट और इफ़ यू आर लाइक मीडियम बजट और मे बी प्रिफर स्ट्रेट वन सो यू कैन गो फॉर दिस ओवरऑल बार्बल इज़ गुड एंड अभी तक मेरे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको भी नहीं आएगी जनरल General, जनरली नहीं आती प्रॉब्लम बुल रॉक इज़ लाइक अच्छे बार्बल आते हैं इनके मेरे पास इनके एक एस एस बारबल भी जिसका रिव्यू मैंने पहले वीडियो में किया था तो दैट्स इट अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें एंड अगर आपको इसी तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं फ्यूचर में डू सब्सक्राइब टू चैनल थैंक्स